बिन कमाई नानका मेरे को साधु जैसा कर, बिना कमाई के ऐसे साईं के साथ अपना फोटो छपा दिया, उसका फोटो छपा दिया, ऐसी चमचियां कि महावीर के साथ महावीर के बेटे बेटी का कभी फोटो देखा, नानक जी के साथ नानक की पत्नी का, नानक के बेटे बेटों का कहीं देखा फोटो। और यहाँ महिला आश्रम में ऐसा धतिंग चल पड़ा कि बापू जी के साथ कईयों के फोटो लेकर बेचने का धंधा चालू कर दिया चमचियों ने और चमचियों की बॉस ने। तो ये सब मुफ्त में यश लेने की दुष्टता है। तो ऐसी दुष्टता हमारे आश्रमों में हम नहीं चलने देते। आज का दिन तो भले वो सत्संग सुने, फिर ऐसे लोग कल से सत्संग में नहीं आ सकेंगे। खाना तो खाएं थोड़े दिन, फिर वो अपना आश्रम बनाएं और अपना धतिंग अलग से करें। नारायण नारायण नारायण। तो बिना कमाई के कोई यश चाहता है वो ठीक नहीं। और जो शरीर मरने वाला है उसको फोटो, उसके फोटो छपवाना, किसी के पीछे पीछे अपना यश चाहना, हमने कभी भी अपने गुरुजी के साथ अपना फोटो छपाकर कभी प्रचार नहीं किया। जब भी गुरुजी का फोटो आप देखोगे हमारे, तुम उनके चरणों में बैठे वो फोटो होगा, बाकी गुरुजी के बराबरी में हमने कभी फोटो छपवा के उस समय भी कोशिश नहीं किया और अभी भी नहीं करते। काय को गुरुओं से धोखा करना, काय को शिष्यों की श्रद्धा का दोहन करना। शिष्य आते तो अपने गुरु के पास आते, ये गुरु की फलानी है, ये गुरु की फलानी है, गुरु के फलाना बेटा है, फलानी बेटी है। तो क्या एक बेटी है गुरु की? हजारों बेटियां गुरु की, हजारों बेटे हैं, तो ये धतिंग की क्या जरूरत है? नारायण हरि नारायण हरि। मैं तो कई बार मना कर चुका, हमारे फोटो वोटो मत छापो मत भेजो, लेकिन लोग तो मेरा फोटो और फिर अपने फोटो छपा के चार चार पांच पांच फोटो एक साथ और मेरे आश्रम में आकर ब्लैकमेल करें, तो गलत बात है ना।